इस सेंटर की पोजीशन है सर, पीजी कॉलेज भरतपुर का। अब कैसे ये एक्सेल सेंटर की पोजीशन है भरतपुर SRPG कॉलेज की। मीन्स गवर्नमेंट ने ऐसी जगह सेंटर दिया है लोगों को जो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक कोई बस नहीं है, ना बस स्टैंड है ना कोई बसों का आना जाना है। अब आप देख लो लोग कैसे पैदल चल रहे हैं। ये बहुत बुरी हालत है, ऐसी जगह सेंटर नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को। पता नहीं क्या डडोसरा जी ने क्या सोचा है, कैसे कैसे जगह इन्होंने सेंटर दे डाले। कोई बस का आता पता नहीं है इधर। चलो हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये भरतपुर स्टैंड है, मेन भरतपुर, और यहाँ से आगे चल रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं, बस स्टैंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर जगह जगह पुलिस वाले जगह मिल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है, ये खाने का सामान भी खतरनाक चीज़ होना चाहिए। ये शायद भरतपुर की कुछ स्पेशल भेलपुड़ी होगी। देखो देखो गरम वो निकल गई, गरम गरम वाली। चल ये क्या है, भेलपुरी? ये क्या है, खजला है? ये खजला, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ले ले कान जी, जयपुर भैया तैयार कर रहा है, देख लो खजला तैयार कर रहा है। खजला हाँ हाँ, अरे खूब सारी है, सिंधी गेम पे लगा लो आप तो, जयपुर सिंधी गेम, वहीं पे खतरनाक चलेगी भीड़। जरूर जरूर। तो ये खजला है, चलो पैक करवा रहे हैं घर। देखो खजला भरतपुर का फेमस खजला है, और ये मीठे वाला भी, इसमें मावा है, ये मावा मिक्स पता नहीं क्या क्या मिक्स कर रखा है, लेकिन है बड़ा टेस्टी। कभी भरतपुर आओ तो ये ज़रूर खाना आप। ये भैया की दुकान है, किलोमीटर ये देखो भाई साहब, ये भरतपुर में गजक की दुकान है। ये कुछ अलग ही गजक है आपके पास में, ये अलग अलग है, सब रेवड़ी है, गजक है, कौन कौन सी है, तो ये कुछ देख लेते हैं, बात करते हैं भी क्या रहता है इनका गजक का। बात करो काम, ये कौन सी गजक है भैया, ये जो ये ऊपर वाली है? हाँ रेवड़ी, रेवड़ी चीनी वाली है। ये गुड़ वाली है, चीनी वाली है? कितने की थैली है? 140 रुपए की एक किलो। और ये मीठे चीनी वाली एक रेट है, वो कितने रेट है? दोनों के एक रेट है, 140 की है, 100, दोनों अलग अलग हैं। ओहो, और ये वाली, ये सामने रखी है भैया, ये क्या है सामने रखी हुई, क्या है ये चीज़? गजक, गजक कौन सी वाली गजक बोलते हैं इसको? ये काजू,
अच्छा 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 ये काजू वाली गजक है भैया के पास में, देखो चलो पैक करवा रहे हैं अभी इसको भी। लिए और कहीं होते ना, हाँ लूट लूट मार हो जाती है। सही बात है। तो भैया ये हम अजमेर भरतपुर रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और जंक्शन पे चलते हैं एक बार, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ का क्या नज़रिया है। ये बसों से लोग उतर रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर मूव कर रहे हैं। वैसे गाड़ी का टाइम हमारा 3:40 का है, ये काफ़ी टाइम है। ये देखिए भरतपुर जंक्शन, लिया गया ना सब्जी, लिया आगरा अजमेर 3:38 पे आएगी। चलो भरतपुर जंक्शन पे आ चुके हैं, ये विद्यार्थियों की भीड़ आगे भी भाई अच्छी खासी भीड़ है यहाँ से जनरल डब्बे आ रही है। चलो 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 भाई, ये है रेलवे स्टेशन भरतपुर का, ये अंदर से है वो कान जी पता, और ये देखो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। अभी सेकंड फर्स्ट लेवल और है जो शाम को अभी 2:30 बजे से लगेगा, 2:30 से 5 बजे तक लग रहा है। इसके बाद में शाम वाली शायद हो सकता है भीड़ ज़्यादा हो, वैसे हाल फिलहाल इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर जितने लोग कह रहे थे कि भाई भीड़ होगी, लेकिन देखा जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, हर जगह व्यवस्था बहुत शानदार की इन्होंने, बहुत बढ़िया। दोस्तों केरली रेलवे स्टेशन आ गया और ये हमारी क्रॉसिंग है, जोधपुर वाराणसी वाली गाड़ी है जो क्रॉस हो रही थी हमारे से, ठीक है। ये इधर का और ये इसका जस्ट अपोजिट का साइड का आपको और दिखाते हैं, लोग घूम रहे हैं, टीटी भैया भी यहीं घूम रहे हैं ये सवारियाँ कुछ बिना टिकट थे जो मज़े ले रही हैं, टीटी भी मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर, ये घूमते हैं इधर जा रहे हैं इधर आते हैं भाई साहब। भैया भाई साहब खतरनाक तरीके से चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी आपको मैंने बता दिया है कि जो लोग बिना टिकट आए हैं उनकी हालत क्या हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो बिना टिकट कभी भी ट्रेन में मत चढ़ना, आज के बाद में ये ध्यान रखना है। नगर आ चुके हैं,
सबसे ज़्यादा रिट के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। अब देखते हैं कि जयपुर में जब अपन लास्ट स्टॉपेज पर उतरेंगे, जैसे इस गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज अजमेर है लेकिन अपना लास्ट स्टॉपेज जयपुर है, देखते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन जयपुर अपन आ चुके हैं दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी रुक जाएगी और फिर मैं वहाँ के लाइव बताता हूँ तो कितनी भीड़ है यहाँ पर रेलवे स्टेशन जयपुर पर जो कि स्टूडेंट्स की उतरेगी। दोस्तों दो नंबर जो प्लेटफॉर्म है उसका आ चुके हैं और अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ थोड़ी देर में कितनी भीड़ रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो भीड़ देखिए दोस्तों, अच्छी खासी भीड़ दिख रही होगी आपको। ये जो जयपुर उतरने वाले हैं ये सारे सारे रेट के विद्यार्थी हैं, पूरे के पूरे रेट के विद्यार्थी हैं। फोन नंबर 1 की तरफ चलते हैं अपन और फिर वहां से बाहर निकलते हैं। इसकी जान अपना तिरंगा कैसे ले रहा है, देखो दोस्तों बहुत शानदार तरीके से